कंकर में शंकर समाहित होता है। मैंने सुना शिव महापुराण में एक लोहे के टुकड़े को भी तू सोना बना देता है। मैंने सुना शिव महापुराण में एक कांच के टुकड़े को तू हीरा बना देता है। मैंने सुना शिव महापुराण में कि 12 शिवरात्रि का जो वर्णन है करा, 12 शिवरात्रि का जो स्मरण करा, 5 बेलपत्र का जो वर्णन किया, वो बेलपत्र का मैं भी वर्णन, मैं भी उसको चढ़ाना प्रारंभ करूं, 12 शिवरात्रि पूरी होगी, मेरा देव अधिदेव महादेव सुनेगा जरूर और मेरी झोली भरेगा जरूर। अब इसमें एक नियम भारी है, वो नियम का स्मरण करना कि नियम कैसा चाहिए। आप कर्जे में हो गए, परेशान हो गए, टेंशन में आ गए, जिंदगी बेकार सी लग रही है, निवेदन है मेहनत करना। जो काम को कर रहे हो, जो दुकान लगा रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, ठेला चला रहे हो, ऑटो चला रहे हो, चलाते रहो, पर उसके साथ में बाबा पर भरोसा रखो। इसमें एक नियम भारी है, कौन सा नियम कि मान लो 12 शिवरात्रि में आप 1-2 शिवरात्रि शिव जी के मंदिर पहुंच गए, तीसरी शिवरात्रि पर भूल गए या किसी कारणवश कहीं दूर चले गए, ना जा पाए, तो घर के जितने सदस्य हैं सबसे निवेदन है कि 12 महीने की शिवरात्रि का नियम बना रहे हो तो घर के सभी लोग बेलपत्र चढ़ाने का नियम बनाओ। उसका कारण ये है, घर का एक व्यक्ति अगर बाहर चले भी गया, घर का दूसरा व्यक्ति शिवरात्रि को भूल भी गया, घर का तीसरा व्यक्ति किसी कारणवश काम में लग भी गया, तो घर का चौथा व्यक्ति तो शिवरात्रि याद रखेगा और हमारा नियम पूरा हो जाएगा। नियम पूरा हुआ तो हमारा कार्य पूरा, हम उस नियम को पूरा करें, हम उस कार्य को पूरा करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बारह महीने शिवरात्रि अभी अभी जिसको 12 मासिक शिवरात्रि कहते हैं। हम कई लोगों से कहते हैं अगर जिंदगी में ज्यादा नियम नहीं ले सकते तो एक नियम ले लिया, और उसका फल क्या होता है कि मात्र 3 महीने की शिवरात्रि कर देते हैं, केवल 3 महीने की शिवरात्रि, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि के दिन 3 जगह पर दिया लगाना प्रारंभ कर दो। पहला बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, दूसरा शंकर भगवान के मंदिर पर, तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। केवल ये 3 जगह पर दिया लगाना चालू कर दो। कौन से दिन? हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं, मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन मैं दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला बोलते जाओ जनके बेलपत्र के नीचे, दूसरा शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर, तीसरा आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर झोली पसार कर बाबा देव अधिदेव महादेव माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो ये निश्चित है। अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा यह कार्य किया। त्रिकाल दृषि मेरा शिव, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर, मेरा महाकाल बाबा, यहाँ शिव कृपा की बात चल रही। शिव महापुराण में आगे वर्णन आया, बाबा देव अधिदेव महादेव ने विष पिया, नीलकंठ धारी बन गया। क्या नाम पड़ गया? जम के बोलिए जरा, नीलकंठ धारी। बहुत सुंदर सा एक उपाय है, बहुत सुंदर सा, शायद आपकी जिंदगी में सबके काम आए, सबके काम आए। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान को भांग प्रिय है, शिवजी नशा करते हैं, या लोग बाग चिलम दिखा देते हैं, चिलम पीते हैं, पर शिव महापुराण की कथा में कहीं ऐसा चरित्र नहीं आया
कि हमारे हिंदू धर्म के कोई भी देवी देवता कोई नशा करते पुराणों में नहीं। हाँ, शिव नशे से मुक्त करते हैं। किससे मुक्त करते हैं? नशे से मुक्त। शंकर नशा मुक्त करते हैं। जैसे तंबाकू का सेवन करने वाले होते हैं और वो तंबाकू नहीं छोड़ पाते, आप कितना ही प्रयास करो उनके लिए, आप बहुत बोल लो, झगड़ा कर लो, और ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने झगड़ा नहीं करा होगा, कितना करा होगा, ईमानदारी की बात बताओ, 4-5 दिन तो आप लोगों ने नए नए में तो रोटी भी नहीं खाई होगी झगड़ा के कारण, तुम तंबाकू छोड़ो तंबाकू छोड़ो, और तुम्हारे सामने नहीं खाए तो क्या हुआ, भेरू बाहर जाके खा ले, पर खाए तो सही। तो उसके लिए नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करो। कौन से महादेव का करना है? नीलकंठेश्वर महाराज। बेलपत्री की छाल, बेलपत्री की जड़, इसको घिस कर इसका चंदन तैयार कर लीजिए। चंदन बनाने के बाद में इसकी गोलियां बना लीजिए। गोली बनाकर शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में 7 स्थान पर उसको रख दीजिए। नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करिए नशे से मुक्त करने के लिए। ये तंबाकू वालों के लिए आज विशेष वर्णन है, ध्यान दीजिए। आप जो गोलियां बनाए हैं चंदन की, बेलपत्री की जड़ या बेलपत्री की छाल की, वो रख दें महाराज। नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करें 7 गोलियां 7 दिन। जो तंबाकू खाता है उसको दे दें महाराज, सुबह के समय पर वो गोली मुख में रखें, आप देखेंगे धीरे धीरे तंबाकू से नफरत उत्पन्न होने लगती है, तंबाकू मुख में नहीं रख पाएगा। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, सीवर वाला महाराज झूठ बोल रहा होगा, तो इसलिए आप प्रयास करिए, बाबा पर विश्वास कर कर प्रैक्टिकल करने का प्रयास करिएगा। बाबा चाहेगा तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी जिंदगी अलमस्त जिए। यही शिव महा